तो फ्रेंड्स 16 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद हम 42 साइज के लिए बना रहे हैं। तो 42 साइज के लिए गले की चौड़ाई को हम रखेंगे यहाँ 3 इंच, शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को रखेंगे 3.25 इंच या 3.5 इंच तक आप रख सकते हैं। आर्मोल यहाँ पर मैं रख रही हूँ 6 इंच या 1.25 इंच तक आप रख सकते हैं। 1.25 इंच के ऊपर मार्किंग कर देंगे और इसको इस तरह से आर्मोल का निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद आपको इसी के ऊपर टेप को इस तरह से रखना है। देखो हम यहाँ पर 42 साइज के लिए बना रहे हैं, तो आपको 42 का फोर्थ भाग लेना है। तो यहाँ पर मैं 42 का फोर्थ भाग ले रही हूँ 10.5 इंच। 10.5 इंच के ऊपर एक मार्क करना है, इसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है या फिर 2 इंच, 1.5 इंच आप मिला सकते हैं। 2 इंच तक आप कितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा रख रही हूँ, तो यहाँ 11.5 इंच के ऊपर हो रहा है, तो 11.5 इंच के ऊपर इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। ये पूरा पेपर देखो इसके अंदर एडजस्ट हो गया है। अब नीचे आप कमर का चौथा भाग ले सकते हैं और उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको टेप इस तरह से रखना है और ये पूरा मार्जिन आपको एक साथ लेना है। ये थोड़ा सा प्रोसीजर आसान है और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इसको ऊपर जितना आपने लिया उतना आपने नीचे भी लिया और इसमें हम 1 इंच को कम कर देंगे। जैसे 1 इंच अंदर यहाँ पर नाप देंगे और इसको तिरछा यहाँ से ज्वाइन करना है। ये देखो यहाँ पर हमने तिरछा ज्वाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स अब आर्म होल को यहाँ पर निशान लगाएंगे। दोनों साइड जो बैक फ्रंट पार्ट है दोनों साइड के आर्म होल हम यहीं पर गिन लेंगे। तो देखो मैं बैक साइड का आर्म होल यहाँ पर रख रही हूँ 1.25 इंच और फ्रंट साइड का रख रही हूँ 0.25 इंच। तो 1/2 इंच का यहाँ पर मार्जिन पड़ता है। आप चाहे तो 1 इंच या 1/2 इंच का भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाकर हम इसको इस तरह गोलाकार दे देंगे। दूसरी साइड को भी इसी तरह से आकार देंगे। दोनों भी आर्म होल देखो, ये हमारा फ्रंट साइड का है, ये बैक साइड का आर्म होल। अब पेपर को सीधा कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्जिन देना है, तो बेल्ट मैं यहाँ पर दे रही हूँ 3 इंच, दूसरी साइड में दे रही हूँ 4 इंच के लिए। यहाँ पर एक और निशान लगाएंगे 3 इंच के ऊपर। देखो दोनों साइड में मैंने 3-3 इंच के ऊपर भी एक एक निशान यहाँ पर लगाया है, और जो भी निशान आपने 3-3 इंच के ऊपर लगाया है इसको आपको सीधा पहले जोड़ लेना है। इस तरह से आप सीधा जोड़ेंगे। इसके बाद आपको इसी के ऊपर इस तरह से टेप को रखना है सीधा, और यहाँ पर आपको 4 इंच के ऊपर एक निशान देना है और यहाँ से आपको गोलाई देनी है। ये हमारा बेल्ट का निशान है, तो यहाँ पर हमने गोलाई दे दी इस तरह से। तो ये हमारा बेल्ट का निशान यहाँ पर हो गया। अब आपको आगे के गले का निशान यहाँ पर लगाना है। तो आगे का गला आप 6, 6.5, 7 इंच तक रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच के लिए रख रही हूँ। 7 इंच के ऊपर एक मार्किंग कर देंगे, इसको इस तरह से जोड़ेंगे। एक इंच अंदर गिनकर इसको आपको गोलाई देनी है। इस तरह से आप गोलाई देंगे। अब यहाँ पर आपको कटोरी के लिए निशान लगाना है। तो देखो ये जो आपने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी इसी के ऊपर पेपर को इस तरह सीधा रखेंगे। 42 जे साइज के लिए बना रहे हैं तो कटोरी को 6 इंच के लिए पूरा रखेंगे। 42-44 साइज के लिए आप कटोरी को 6 इंच का पूरा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 इंच के लिए मार्क कर रही हूँ। अब देखो फ्रेंड्स आर्म होल से नीचे भी हमको यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमको 2 इंच के लिए मार्क करना है, और जहाँ पर आपने गले के लिए निशान लगाया है वहाँ पर 1/2 इंच के लिए ऊपर मार्क करना है। अब देखो ये तीनों भी मार्क हमको जोड़ने हैं। जोड़ने के लिए आपको हाथ को बार बार उठाना नहीं है, एक ही बार में इस तरह से जोड़ना है। तो इस तरह से हमको कटोरी को जोड़ देना है। अब हम यहाँ पर डबल कटोरी के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कटोरी को टेप को इस तरह से रखना है और पूरी कटोरी को गिनना है कि कटोरी आपकी कितनी आती है। तो देखो यहाँ पर 9 इंच की कटोरी आ रही है। मैंने इसको कटोरी को इस तरह से गिना है, टेप को मैंने बिल्कुल सीधा रखकर कटोरी के ये तीन हमको हिस्से करने हैं। तो 9 इंच के ऊपर आता है, तो मैं यहाँ पर एक हिस्सा हमारा ये 3 इंच के ऊपर आया, दूसरा जो हिस्सा है वो भी 3 इंच के ऊपर आएगा। ठीक है, 3 इंच को वहाँ से गिन लीजिए आप। ये देखो इस तरह से कटोरी के तीन हिस्से हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमको कटोरी का सेंटर लेना है। 6 इंच का कटोरी लिया है तो 3 इंच पे इसका सेंटर आता है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से ऊपर आप ले सकते हैं 2.5 इंच के लिए या 3 इंच के लिए पूरा ले सकते हैं। तो 2.5 के ऊपर मैंने इस तरह से एक मार्क कर दिया, और ये जो मार्क है हमको इस तरह से सीधा जोड़ना है।
सीधा जोड़ने के बाद आपको हमारी ये वाली साइड देखो 6 इंच के लिए आ रही है, तो इसका सेंटर लेंगे 3 इंच के ऊपर, 3 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड को हमको इस तरह से जोड़ना है, थोड़ा सा हल्का सा गोलाई देते हुए जोड़ लेंगे। ये देखो यहाँ पर ये तिरछा जुड़ता है, तो इस तरह से हमको ये ज्वाइन करना है। अब इसकी कटिंग करेंगे, सबसे पहले बैक साइड को हम अलग हटाएंगे, इसके बाद हम फ्रंट साइड के लिए कटिंग करेंगे। तो नीचे की जो बेंट साइड है इसको कट करना है सीधा, जो मार्जिन हटाना है उसको छोड़ देंगे और इसको तिरछा कट करेंगे। अब यहाँ से भी आपको बैक साइड का आर्म होल पहले कट करना है। तो फ्रेंड्स इतना होने के बाद हमको यहाँ पर पैर का मार्जिन देके इसको तिरछा ज्वाइन करेंगे। पैर का मार्जिन मतलब 3 लाइन का मार्जिन आप दे सकते हैं, और इसको यहाँ से इतना तिरछा हम जोड़ के कट कर देंगे। ये देखो इतना कट करने के बाद आपको बैक साइड को पूरी तरह से अलग हटा देना है। ये हमारी बैक साइड है, इसको हम अलग हटाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, इसके लिए आपको बेल्ट साइड की पहले कटिंग करनी है। इसके बाद आपको करना है फ्रंट साइड का जो आर्म होल आपने ड्रॉ किया है, जैसी भी ड्राइंग बनाई है ऐसे ही आपको कटिंग करनी है। आगे का गला जो है आपका, इसको भी आपको कट करना है। अब करेंगे कटोरी साइड को कट। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से कटोरी साइड को कट करने के बाद आपको बीच से इसको कट करना है। ये डबल कटोरी है तो दोनों साइड हमको अलग अलग बढ़ानी पड़ने वाली है, तो इसके लिए अलग पेपर लेना जरूरी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट साइड की इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेपर की जरूरत है। तो फ्रेंड्स एक पेपर हमने लिया है, कटोरी की एक साइड आपको इस तरह से लेनी है, इसको हम पिनअप कर देंगे। आप चाहे तो इसकी थोड़ी सी आउटलाइन करके इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पिनअप करने के बाद हमको इसको दो साइड से बढ़ाना है। देखो ये वाली एक साइड है और ये वाली कॉर्नर साइड, दोनों साइड से हम इसको बढ़ाएंगे 1.5 इंच के लिए। 1.5 इंच के लिए यहाँ पर बढ़ाएंगे, 1.5 इंच के लिए इस वाली साइड से बढ़ाएंगे। दोनों साइड से आपको बढ़ाना है और सेंटर पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका सेंटर आपको इस तरह से लेना है, आपका जो भी कटोरी का सेंटर बनता हो उसको आपको इस तरह से मार्क करना है। और यहाँ से आपको 1/2 इंच के लिए बढ़ाना है, 1/2 इंच। ये हमारा सिलाई मार्जिन है तो 1/2 इंच हम सब तरफ से बढ़ाएंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच आपको बढ़ाना है। अब देखो यहां से भी हमने 1/2 इंच के लिए बढ़ाना है ये साइड, ये भी हमारा सिलाई मार्जिन है। अब इसको यहां से जोड़ते हैं। ये जो दूसरा वाला कॉर्नर पॉइंट हमने बढ़ाया है इसको भी आपको गोलाई में इस तरह से जोड़ना है। और यहां से नीचे हम 1/2 इंच के लिए इसको जोड़ेंगे, इसको भी गोलाई में जोड़ना जरूरी है। तो भी आप इस तरह से गोलाई में जोड़ेंगे। तो देखो इस तरह से ये कटोरी हमारी बढ़ जाती है। अब हमको ये जो पूरा पॉइंट है इसको गिनना है, तो आप गिन लीजिए आपका कितना आता है। तो देखो यहाँ पर ये 9 इंच के लिए आ रहा है, ये देखो इस तरह से 9 इंच के लिए आ रहा है। ये 9 इंच हमको अब नीचे बचे हुए पेपर के ऊपर गिनना है। अगर आपका पेपर नहीं बचता है तो कोई और पेपर आप ले सकते हैं। तो देखो यहाँ तक मैंने 9 इंच के लिए यहाँ ड्रॉ किया है, 9 इंच के लिए मैं यहाँ पर गिन रही हूँ। जितना ये हमारा मार्जिन है इतना ही यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। अब हमको ये वाला पार्ट लेना है, ये जो कटोरी का नीचे की साइड का पार्ट था ना, ये वाला पार्ट है, इसको लेना है। अब ये वाली साइड जो है हमारी कितनी आ रही थी, ये वाली हमारी आ रही थी 2.5 इंच। तो यहाँ पर भी आपको 2.5 इंच के लिए गिनना है। देखो यहाँ से ऊपर आपने 2.5 इंच के लिए गिन लिया, इसको सीधा कर देंगे। दूसरी साइड को भी गिनना है आपको कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 इंच के लिए। तो यहाँ पर भी हम 2 इंच के लिए इस तरह से मार्जिन ऐड कर देंगे। अब इन दोनों का सेंटर हमको लेना है। ये हमारा 9 इंच आ रहा था पूरा, तो यहाँ पर 4.5 इंच इसका सेंटर आएगा, तो सेंटर के ऊपर एक मार्क कर देंगे। और यहाँ पर हमको 2.5 इंच के लिए ऊपर गिनना है। अब इस वाली लाइन को सीधा करेंगे,
जैसे हमने यहाँ गिना था ना 2.5 इंच, वही हमको यहाँ पर गिनना है। अब हमको ये जो साइड से इसको इस तरह से जोड़ना है, तिरछा में जोड़ता है, आप देखिएगा इसको इस तरह से तिरछा में जोड़ता है यहाँ से यहाँ तक। और हाफ इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे तो सब तरफ से हाफ हाफ इंच के लिए बढ़ा देंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन होगा एक्स्ट्रा, जैसे हमने ऊपर कटोरी में सिलाई मार्जिन रखा है सेम उसी तरह से सिलाई मार्जिन को ऐड करेंगे हाफ इंच के लिए, और इसको फिर से एक बार इस तरह से जोड़ेंगे। तो जुड़ गया, ये हमारा हिस्सा हो गया, ये भी हमारी कटोरी की साइड का हिस्सा हो गया। अब हमको टक्स लेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 42 साइज के लिए यहाँ पर आप 2 इंच तक टक्स पूरे ले सकते हैं, 2.5 इंच तक भी आप इसको ले सकते हैं। तो आपको 2 इंच का रखना है तो 2 इंच इस तरह से लेंगे आप, यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच, तो ये पूरा टक्स 2 इंच का होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर 2.5 इंच का टक्स रख रही हूँ, तो 1.25 इंच को सेंटर रखना है और इस तरह से 2.5 इंच के लिए मार्क करना है। ये पूरा आपका मार्जिन जो है ये 2.5 इंच आना चाहिए, और इसको इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हमारी कटोरी बढ़ती है। ये डबल कटोरी ब्लाउज है। अब यहाँ पर आपको कटिंग करनी है। देखो नीचे की साइड को मैं पहले हटा देती हूँ। कटोरी साइड को भी हटाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करनी है। देखो इस तरह से ये जुड़ता है और यहाँ से ये नीचे की साइड में फोल्ड होगा, ऊपर की साइड में नहीं होगा, और इस तरह से आपकी कटोरी दिखने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर हमने आज 42 साइज के लिए डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करी है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को, और आपका प्यार देते रहिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप 42 साइज के लिए हमने आज करी है डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।